हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश सरस्वती विद्या मंदिर बरवत सेना बेतिया। दिस इज द 9th वीडियो फॉर चैप्टर 7 ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस नेम्ड एज क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। इसके पहले 8 वीडियोज में हम लोगों ने वेदर, क्लाइमेट और एडाप्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। लास्ट वीडियो में यानी कि 8वें पार्ट में हम लोगों ने जाना कि पोलर रीजन में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें किस तरह के एडाप्टेशंस पाए जाते हैं, खासकर पोलर बियर में किस तरह के एडाप्टेशंस पाए जाते हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया और पोलर बियर के एडाप्टेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। सिमिलरली वहाँ पर रहने वाले जो अदर एनिमल्स हैं जैसे पोलर बियर के अलावा अंटार्कटिका में या पोलर रीजन में पाए जाने वाले पेंगुइन्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो पेंगुइन्स में ऐसे कौन कौन से एडाप्टेशंस पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो उस अति ठंडे प्रदेशों में भी आसानी से जीवित रह सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है adaptations of penguins. Penguins are birds but they cannot fly, but they are good swimmers. Penguins have webbed feet and wings are works as flippers. The body of penguins are streamlined. These features of penguins make them a good swimmer and they can get food from sea. अर्थात जैसे कि मैंने कहा था कि polar region में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें तीन मुख्य समस्याएं होती हैं। नंबर एक, वहाँ के ठंडे मौसम से खुद के शरीर की रक्षा करना। नंबर दो, दूसरे जानवरों से अपना बचाव करना। और नंबर तीन, शिकार करना अपने भोजन के लिए। ये सारे एडाप्टेशंस पेंगुइन्स में भी पाए जाते हैं। पेंगुइन्स जो है जनरली वहाँ के समुद्र में पाए जाने वाले मछलियों को मार के खाती हैं या समुद्री जीवों को मार के खाती है। वैसे पेंगुइन एक बर्ड है लेकिन ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी अच्छी तरीके से तैरने में सक्षम होती है, क्योंकि इसका शरीर पानी में तैरने के लिए पूरी तरह अनुकूलित होता है। जैसे अगर हम पेंगुइन का बात करें तो पेंगुइन का जो पैर होता है वो कुछ इस तरह होता है, जिसमें फ्लिपर्स ये वेब्स होते हैं यानी कि दो उंगलियों के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जिसके द्वारा वो पानी में आसानी से तैरने में उनको हेल्प करता है। और पेंगुइन्स में बड़े बड़े फीडर्स पाए जाते हैं। ये फीडर्स जो है उनके लिए एक तरह से मछली के पंख की तरह काम करते हैं। जिस तरह पानी में मछली अपने पंखों की सहायता से आसानी से तैर सकती है, उसी तरह इसके जो फीडर्स हैं यानी कि इसके जो डैने हैं ये उन्हें पानी में तैरने में हेल्प करती है। साथ में इसका जो शरीर है उस शरीर के त्वचा के नीचे फैट की एक मोटी परत पाई जाती है जिससे इनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहने में इनको हेल्प मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेंगुइन्स अपने शरीर की एनर्जी बचाए रखने के लिए हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। जब वहाँ पे बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं चलना शुरू करती हैं तो सारे पेंगुइन्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसे ग्रुप बना के रहने से उनके अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखने में सहायता मिलती है। और ज़्यादातर जो पेंगुइन्स होते हैं हमेशा इसी तरह झुंड में ही रहते हैं ताकि वहाँ पे ठंडी वेदर से और ठंडी हवाओं से खुद का बचाव कर सके। तो इस तरह पेंगुइन्स उस प्रतिकूल स्थिति में भी खुद को जीवित रखने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स उस पोलर रीजन में पाए जाते हैं। जैसे अदर एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं।
उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पर रेनडियर, फॉक्सेस और वेल्स, सील्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें से रेनडियर का उपयोग वहाँ पे गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है, बैलगाड़ी की तरह, लेकिन उसमें चक्के नहीं होते हैं। वो बर्फ़ पर फिसलने वाली एक गाड़ी की तरह होता है जिसे रेनडियर खींचते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अति ठंडे मौसम में वो उस जगह को छोड़ देते हैं और उड़कर किसी अदर जगह पर जहाँ पे ठंडी कम हो ऐसे जगह पे वो चले जाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आप लोगों को साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो अपने जीवन में प्रति वर्ष लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करके नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते रहते हैं, और बीच में कहीं कहीं वो झुंड के रूप में उतरते हैं भोजन इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि भारत में दो जगह है, भरतपुर और सुल्तानपुर, ये दोनों जगह क्रमशः राजस्थान और हरियाणा में स्थित हैं। यहाँ पे ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स ठंडी शुरू होने से पहले आते हैं और उड़कर फिर साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी जानकारी थी फर्स्ट केस स्टडी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पोलर रीजन यानी कि अति ठंडे प्रदेशों के बारे में, जहाँ पे प्रतिकूल स्थिति में भी जीव जंतु किस तरह निवास करते हैं और उनमें कौन कौन से एडाप्टेशंस पाए जाते हैं जो उन्हें जीवित रहने में सहायता करते हैं। उसके बाद हमें सेकेंड केस स्टडी की तरफ जाना है, जिसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पोलर रीजन का एकदम अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलर रीजन के अपोजिट इन्वायरमेंटल कंडीशन पाए जाते हैं। जैसे पोलर रीजन में बहुत अत्यधिक ठंडी पड़ती है, उसी तरह ट्रॉपिकल रीजन में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे गर्म प्रदेश इसी रीजन में पाए जाते हैं। ये रीजन पृथ्वी पर स्थित है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करते हैं क्रमशः। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं, जो रेड बैंड यानी कि लाल कलर का जो बैंड बना हुआ है, इसी रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वैसे देश या वैसे जगह जो इस ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, उन्हें रेड करके इस इमेज में दिखाया गया है। ये जितने भी रेड इमेजेस हैं, ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे घने जो रेन फॉरेस्ट हैं, वर्षा के वन हैं, इसी रीजन्स में पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका, जो कि लेफ्ट में दिया हुआ है, वहाँ पे अमेजोन का सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है। अमेजोन नदी के किनारे कुछ इस तरह अति घना जंगल पाया जाता है, जो कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना और चिली, इन तीन देशों में फैला हुआ है नॉर्थ कॉन्टिनेंट पर। इसके अलावा अफ्रीका में जो वर्षा के वन पाए जाते हैं, अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं जो कि इसी रेन फॉरेस्ट में आते हैं। और साथ में राइट की तरफ देख सकते हैं, भारत का आधा भाग, नीचे वाला पोर्शन और कुछ आइलैंड्स जैसे इंडोनेशिया, ये सारे आइलैंड्स जो हैं इसी रीजन में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये ऊँचे ऊँचे पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इन पौधों को उगने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध रहता है। जैसे किसी भी जगह का वेजिटेशन वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, खासकर टेम्परेचर और रेनफॉल, और दोनों ही इस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस ट्रॉपिकल रीजन में मिनिमम टेम्परेचर सालों भर में लगभग 15 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर भी चला जाता है, यानी कि ठंडी यहाँ पे नहीं पड़ती है। सालों भर दिन और रात बराबर होते हैं, सालों भर लगभग बारिश होती रहती है,
इसलिए यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को लगातार पानी और गर्माहट प्राप्त होती रहती है, जिसके कारण से बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे हम लोग रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस फॉरेस्ट इस रीजन के जो अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।